मरकच्चो प्रखंड के महुगाय पंचायत भवन में राजद प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक हुई। कार्यक्रम का संचालन प्रखंड सचिव राजू यादव ने किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक मोर्चा डॉक्टर जावेद अख्तर उपस्थित थे। इस दौरान मोहम्मद शरीफुद्दीन अंसारी, तौकीर अहमद, राजेंद्र यादव, रंजीत यादव समेत दर्जनों राजद नेताओं कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं इस दौरान राजद वरिष्ठ नेता सरफराज नवाज खान ने कहा, पूर्व में जो लोग वर्षों से राजद में बने हुए थे उन्हें बहला फुसला कर दूसरे दल के लोग दूसरी तरफ भटकाने का काम किया है और राजद को छोड़कर जाने वाले वैसे लोग आज पश्चाताप करने में लगे हुए हैं। वैसे लोगों को राजद आज भी स्वागत करती है। वो आज भी अपने घर की ओर लौट सकते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने ही घर में परिवार में सुख चैन आराम और प्रतिष्ठा की कामना कर सकते हैं। वहीं जिलाध्यक्ष रामधन यादव ने पार्टी की मजबूती संगठन के विस्तार पर विशेष चर्चा की। वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी बताया, अभी के दौर में हम गरीब गुरबा लोग डीजल, पेट्रोल, गैस, आलू, चावल वगैरह के महंगाई को देख मरमाहत है और इस कमर तोड़ महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए राजद में जुटना जरूरी है। इसलिए आज की बैठक के जरिए एक मौका दिया जा रहा है कि जो भी लोग अपने घर से भटके हुए हैं वो अपने घर राजद की ओर लौट सकते हैं, उनका स्वागत है। मौके पर भुवनेश्वर यादव, उमाशंकर यादव, सराजनिया देवनारायण यादव, अशोक कुमार साव, भीकी सिंह, मोहम्मद यूसुफ अंसारी, कैलाश यादव आदि लोग उपस्थित थे। कोडरमा से देव कुमार राम की रिपोर्ट। आज मरकच्चो प्रखंड कार्यकारिणी सदस्यों का आज बैठक था और मूल रूप से पार्टी को मजबूत करने के लिए हर पंचायत में सम्मेलन करने को लेकर चर्चा हुआ और सदस्यता अभियान चलाने के लिए हम लोग सारे लोग बैठ के बात किए इस पर। और मूल रूप से जो अभी देख रहे हैं कि पूरे देश में जो भाजपा सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा प्रत्येक दिन गैस का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो, डीजल का दाम हो, सरसों तेल का दाम हो, लगातार जो भाजपा सरकार के द्वारा जो इस तरह लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए और इस सरकार के तुगलकी फरमान महंगाई सरकार के खिलाफ हम लोग जो इस आंदोलन करने के लिए पंचायतवाद प्रत्येक गांव वाइज जो हम लोग चलाने का निर्णय लिए हैं ताकि आने वाले दिन में ये भाजपा का जो प्रोपगंडा है, जो भाजपा के द्वारा कहा गया था लोगों को कि जो इस 15 लाख रुपये दिए जाएंगे और लोगों को जो है सो 2 करोड़ एक साल में रोजगार दिए जाएंगे, ये सारा सब मिथ्या साबित हुआ और लोगों को ठकने का काम किया, अच्छे दिन आया नहीं। इन तमाम बिंदु को लेकर सारे लोग त्राही माम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने राजद की ओर टकटकी लगाए हुए हैं और बहुत सारे लोग राजद में घर वापसी करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर, बिंदुओं को लेकर आज हम लोग चर्चा किए ताकि राष्ट्रीय जनता दल का जो सो पूरे पंचायत स्तर, बूथ स्तर से कैसे मजबूती हो और कैसे इसका गठन किया जाए। आज पंचायत सचिवालय महुगाय में राजद की प्रखंड कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसमें प्रदेश के महासचिव डॉक्टर जावेद अख्तर, जिला अध्यक्ष माननीय रामधन यादव जी उपस्थित थे और सैकड़ों कार्यकर्ता की मौजूदगी में, बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक अच्छी बैठक हुई। मैंने लोगों में लगा कि भाजपा की जो केंद्र सरकार की जो नीति है, जो उस नीति के खिलाफ जनता है और जनता में बहुत आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ, और उसका फायदा राष्ट्रीय जनता दल को मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी मजबूत हुई है और ये दौर हम लोगों का, मैंने प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में भी चलेगा और ये राष्ट्रीय जनता दल के बैठकों का ये दौर चलता रहेगा और पार्टी का संगठन काफ़ी मजबूत हो रहा है और हम लोग मजबूत करेंगे। जनता बहुत आक्रोशित है और बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता सड़क पर आ गई है, यही समझ लीजिए, और राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी मजबूत होगी आने वाले समय में पता चलेगा। और यहाँ पर सभी किसी भी स्तर पर राजद लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है बस। और हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी अब आ गए हैं, बिहार लौट गए, अपने आवास पर आ गए हैं और राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो गए हैं। उनसे कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी की लहर है और बहुत कार्यकर्ता ऊर्जान्वित हो गए हैं बस। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।
शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।